मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य जरूरी है, इसलिए सरकार सबसे पहले इसी पर फोकस कर रही है कि हम कोरोना संक्रमण पर काबू पा सकें और उसके बाद छात्रों के एग्जाम कराएं। परमार ने कहा, परीक्षा के 20 दिन पहले बच्चों को परीक्षा की सूचना दे दी जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि CBSE को लेकर केंद्र ने जो जानकारी मांगी थी उसके आधार पर ऑप्शन बी को सभी राज्यों ने चुना, जिसके मुताबिक छात्रों को ऑप्शनल और छोटे प्रश्न दिए जाएंगे ताकि 1.5 घंटे के अंदर ही उनका प्रश्न पत्र हल हो जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पेपर छप चुके हैं और दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती, इसीलिए मध्य प्रदेश में अभी परीक्षाओं को लेकर थोड़ा समय लगेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं, पहले बच्चों का स्वास्थ्य है फिर परीक्षा। हम छात्रों को 20 दिन पहले सूचित करेंगे और फिर उनकी परीक्षाएं ली जाएंगे। नंबर जो ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन में जो मुख्य विषय है उनकी परीक्षा करना और 3 घंटे की परीक्षा आयोजित करना, एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि 1.5 घंटे की परीक्षा करना, प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप हो, छोटे प्रश्न हो, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके 1.5 घंटे में परीक्षा संपन्न करा लेना और सभी विषयों की परीक्षा लेना। हमने CBSE के लिए बी ऑप्शन जो है उसके लिए सुझाव दिया है कि बी ऑप्शन में कराए, और दूसरा जो ऑप्शन है उसको हमने मध्य प्रदेश के लिए कहा है कि भाई मध्य प्रदेश में क्योंकि हमारे पेपर सेटिंग हो चुके हैं, प्रश्न पत्र छप चुके हैं, सारी व्यवस्था हो चुकी है, अभी इसको करने में बहुत लंबा समय लगेगा, ज़्यादा विलंब होगा, परीक्षा ज़्यादा विलंब से हो पाएगी, इसलिए हम जो मुख्य विषय हैं उनकी परीक्षा लेने के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बाद में जो अन्य विषय बचते हैं इन विषयों के नंबर के आधार पर उनका भी नंबरिंग करने का हम विकल्प पर काम कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।